तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकर बता देता कि भाई जो गाड़ी में जा रहा था ना, गाड़ी में पहली बार सिक्के थे ही नहीं, 1200 सिक्के थे जो एंड में आप लोग को मिल गया था, बाकी जो 1.5 लाख बोला जा रहा ना वो था ही नहीं। तो जैसे गवर्नर सोचता भड़क जाता, कहता क्या माता हम लोग 1.5 लाख सिक्का बाहर ऐसा छोड़ देंगे और खाली गाड़ी यहाँ पे भेज देंगे, बकवास यहाँ पे बंद कर यार, तू तो बकवास पे बकवास किया जा रहा है। हमारा मेकर कहता मैं बकवास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सबूत यहाँ पे दिखा सकता हूँ, रही बात वो गाड़ी ब्लास्ट कैसे हुआ था ना वो भी आपको यहाँ पे दिखा सकता, उसके लिए भाई मुझे पेपर पेन, तो पेपर पेन यहाँ पे लाया जाता है और ये पेपर पेन पे कुछ ऐसा नाम लिखते कई सारी चीजों का और कहते भाई ये लो भाई मेरे पास इन्हें सारी चीजें लाके दे दो। तो जैसे गवर्नर यहाँ पे देखता ना देखते वो भी सोचते कि छी भाई ये करेगा क्या सारी चीजों का, और इसका हैंड राइटिंग कितना ज्यादा ही गंदा है। जो लड़की यहाँ पे थी ना वो लड़की भी देखती है कि लाओ भाई मुझे भी दिखाओ, वो भी जैसे देखती है देखती है भाई 2-4 नॉर्मल चीजें लिखी हुई है, मुझे लगा भाई कोई कमाल का वॉरियर होगा जो कि केस यू सॉल्व कर देगा, लेकिन ये तो बस 2-4 फालतू चीजें मंगवा रहा है, इसमें क्या ही हो जाएगा। जो वॉचमैन है वो देखता है, उसको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि करना क्या चाहता है, लेकिन कसम से इसकी हैंडराइटिंग बड़ी बेकार है। हमारे मेकटा से कहा जाता है कि सच्ची में तो काम कर देगा, हमारा मेकटा कहता है शायद हो जाएगा, बाई चांस मान लो मैंने काम पूरा कर लिया और केस यहाँ पे सॉल्व हो गया मुझे और मेरे पूरे फैमिली को छोड़ दिया जाएगा ना। जो सुन दो भी कहता है यस, अगर केस सॉल्व हो गया हम दूजे और तेरी पूरी फैमिली को छोड़ देंगे। हमारे मेकटा कहता है गुड़, तो वो कह ठीक है भाई मैं एग्जैक्टली मुझे कन्फर्म तो मालूम नहीं है ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हाईली चांसेस ही काम कर सकता है, पानी में जाते ब्लास्ट हो गया, जो सोडियम होता है ना वो सोडियम भी पानी में जाते ही ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए मैंने 2-4 ऐसे सामान मंगाया जिससे मैं एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे तैयार करूँ जो पानी में ब्लास्ट हो जाए, ताकि मैं इनको साबित यहाँ पे कर पाऊँ कि ये काम इंसानों ने किया ना कि किसी डेमो ने, और झूठा झूठा मेरे सेकंड अंकल पे इल्ज़ाम लग रहा है। तो ये बनाना जैसे चालू कर रहे थे ना सारे स्टेप यहाँ पे पूरा हो चुका था, 2 स्टेप यहाँ पे कम था, एक आग और सेकंड यहाँ पे बिजली। अब आग बिजली भाई मैं तैयार नहीं कर सकता, कल्टीवेटर उनके इतना भी कमाल का नहीं, दूसरे सेट के कल्टीवेटर्स यहाँ पे कर सकते, तो पक्का ये काम किसी कल्टीवेटर्स नहीं किया होगा। वो मैडम सुनिए ना यार, आप पक्का स्काई नेट नाम का जो सेट है वो सेट की डिसाइपल हो ना, वो भी कहती है कि हाँ मैं डिसाइपल हूँ, लिख रही है तुमको कैसे मालूम चला, उसके बाजू में टोकन यहाँ पे था, वो टोकन से साफ साफ यहाँ पे मालूम चल रहा था। तो सामने सो बताती मालूम ही क्या, मेरा मास्टर को ने शेर का लीडर खुद है। हमारे मैं कटा भी देखता भाई लीडर के डायरेक्ट डिसाइपल मजा ही आ जाएगा। सुनो मेरी बात यार, आप एक एल्केमिस्ट भी हो ना, और एल्केमिस्ट लोग आग भी लगा सकते हैं, आप हल्का सा आग लगाओगे क्या इसको पिघलाने में? वो कहती मैं आग लगा सकती हूँ लेकिन भाई छोटा लेवल का, लेकिन डोंट वरी मेरे मास्टर ने मुझे टोकन दिया था, इस टोकन में बड़ी सी आग है जो और भी अच्छा आग लगा सकती है। वो टोकन यहाँ पे लेती है, उसके ऊपर का जो आग है ना वही जो सोडियम जो बना रहा था ना उस पर लगा देती है। तो हमारा मैं कटा भी कहता है गुड, अब मुझे चाहिए बिजली, बिजली कर पाओगी? वो पूरा बिजली निकाल लेते कि यहाँ पे किसको देना है, वो कहता है किसी को नहीं देना, इसके अंदर यहाँ पे डालना है थोड़ा सा डालना है ज़्यादा नहीं, तो वो भी थोड़ा सा डालती है। हमारा मैं कटा कहता है गुड गुड, बस करो बस करो बस करो, और परफेक्ट एक सोडियम यहाँ पे तैयार हो चुका है। अगर आपने ज़्यादा साइंस पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा जो सोडियम मेटल जैसे पानी में जाता है ना जाते ही ब्लास्ट यहाँ पर होता है, तो वही साबित करना चाहता था, तैयार हो जाता है, दिखाता कि भाई ये देखो तैयार हो गया, और उनको बताता ये जो चीज़ नहीं देखने में एकदम चांदी जैसा लगता है, इसका जो वजन है ना इसका वजन रियल चांदी से बहुत ही कम है यहाँ पर, इसलिए तो भाई गाड़ी के अंदर है ना भाई इसको यहाँ पे डाला गया, तो पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि भाई चांदी अंदर है लेकिन चांदी नहीं ये है। तो वो लोग भी ऐसा छूते और देखते कि हाँ भाई सच्ची में इसका जो वजन है ना इसका वजन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी इसको रिप्लेस यहाँ पे किया गया था। जो लड़की थी वो भी कहती भाई तुमने इतना कमाल का चीज़ बना लिया, तुम भी एल्केमिस्ट हो क्या? हमारे मैं कहता कहते ना ना मैं कोई एल्केमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो बल्कि केमिस्ट्री का स्टूडेंट यहाँ पर हूँ। वो भी कहती है केमिस्ट्री वो क्या होता है? हमारा मैं कहता रहने तो तुमको आइडिया नहीं लगेगा। गवर्नर कहता अच्छा ठीक है हम मान लेते कि भाई नकली चांदी का सिक्का ये दिया गया था, लेकिन जब पानी में जाती है ब्लास्ट वो क्या हुआ भाई? पक्का डेमो लोगों ने किया होगा ना, यानी भाई मेन काम डेमो लोगों ने किया है। ये कहते कि ना 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 ये जो नकली चांदी है ना रुको इसका कमाल यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ। इतना बोलकर उसको पानी में डाल देता है, मैंने जैसे बोला कि पानी में जाती है ब्लास्ट हो जाती है, हाँ तो जैसे पानी में जाता है ब्लास्ट हो जाता है। ये लोग देखते हो माई गॉड, तो ये जो नकली चांदी की चीज़ है ये पानी में जाते ब्लास्ट भी होती है क्या? आप समझ गए, जो मेन मास्टर माइंड है ना उसने नकली पहले ये यूज़ किया, नकली चांदी का सिक्का इससे बनाया और बाद में जैसे पानी में गया ब्लास्ट हो गया। हम सबको लगेगा कि भाई पक्का किसी डेमोनिक कल्टीवेटर ने यहाँ पे किया होगा, इसलिए हमारा पूरा ध्यान है ना डेमोन के ऊपर चल जाए और उनके ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। ये बड़े दिमाग वाले थे वो कल्प्रिट। वॉचमैन ये भी कहते तभी तो भाई जब आपने भाई पूछताछ वाली टेक्निक यूज की तो भी सच्चाई यहाँ पे मालूम चला। वो भी कहते क्योंकि भाई वो लोग सच बोले थे, उनको भी आइडिया नहीं था कि भाई ऐसी ऐसी गड़बड़ की बात है। हमारे मेकटा कहता हाँ आपको जो 1200 चांदी के सिक्के मिले थे, मुझे लगता है जो बक्से ना बक्से में चांदी डाले गए नकली या सोडियम डाला गया और ऊपर से भाई असली चांदी
यहाँ पे 1200 डाला गया ताकि अंदर है ना अंदर से कुछ भी मालूम यहाँ पे ना चले। जो सुंदे लोग कहते हैं हाँ अब जो तू बातें बोल रहे ना सारी बातें यहाँ पे पूरा ढंग से बनी है। वॉचमैन यहाँ पे देखते कि भाई ये तो लड़का बड़ा स्मार्ट यहाँ पर है, तारीफ करने के लिए उसे कंधों पर हाथ रखने को तैयार था, लेकिन इसको OCD की बीमारी है। OCD एक ऐसी बीमारी होती है जब तुमको कोई बिखरा या बेकार चीज यहाँ पे दिखते ना, जैसे कपड़े बिखरे हुए हैं, चप्पल यहाँ पे उल्टा है, कंबल यहाँ पे ठीक से नहीं है, तुमको ठीक करने का मन करता है। हाँ तुम्हारे मैक कटा का कपड़ों पर भी ऐसा मतलब बेकार तरीके से था, तो कंधे पर हाथ रखता है, शाबाशी देता है और उसको ठीक कर देता है। हमारा मेक कटा भी देखता है वॉ यार इन्होंने मुझे शाबाशी दी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। इससे ये मालूम चल गया कि हाँ भी एग्जैक्टली किसी इंसान ने जानबूझ के ऐसा नाटक किया था, मगर किसने यहाँ पे किया है। और हाँ अगर बाकी में नकली चांदी को लाया गया है असली चांदी के बदले, तो असली चांदी यहाँ पे कहाँ पे गया है? और ढेर सारे पब्लिक भाई चांदी के सिक्के कभी बक्से को यहाँ टेलीपोर्ट किए, कभी वहाँ पे किए, यानी ढेर सारे लोगों ने भाई उसको हाथ लगाया है। तो एग्जैक्टली किस बंदे ने हाथ लगा के एक्सचेंज किया है उसके बारे में भी आइडिया नहीं चल रहा। एक एक करके सबसे पूछने लगेंगे ना तो बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वॉचमैन आइडिया यहाँ पे बताते कि सुनो मेरी बात यार, अगर स्टार्टिंग में एक्सचेंज हो जाता ना तो स्टार्टिंग से किसी ने किसी को आइडिया लग जाता, लेकिन मुझे लगता है बहुत बाद में, लिटरली बहुत ही बाद में एक्सचेंज यहाँ पे किया गया है। जैसे गवर्नर सोचता क्या बहुत बाद में, तो मुझे है किसी बंदे पे शक जो बहुत बाद में कर सकता है, जल्दी से घोड़ा निकालो यार मैं जा रहा हूँ उस बंदे के पास। तो हमारे मेकटे भी कहता यार आराम से जाओ, हाँ लेकिन भाई मेरे बारे में भूलना मत, मेरे परिवार को और मेरे को आजाद करवा देना। लेकिन वो लोग निकल जाते, कुछ रिप्लाई नहीं देते। हमारे मेक कटा भी देखता भी ये लोग जा रहे पता करने के लिए, आइडिया लग चुका कि कौन कर सकता है। आई डोंट नो यार पता लगेगा या नहीं लगेगा, लग जाएगा तो भाई प्लीज़ इनका 1.5 लाख वापस मिल जाए ताकि भाई हम सबको आजाद वजाद यहाँ पे वापस से कर दिया जाए। अब जो कुछ नसीब पर डिपेंड रहेगा। जो लड़की थी ना, लड़की भी कहती भाई बताओ तुमने कैसे किया था। हमारे मेक कटे ने नमक और बेकार चीज़ें यूज़ की थी सोडियम बनाने के लिए, वही कहती भाई तुमने नमक को वो ऐसी चीज़ में कैसे कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया। रुको यार तुम ऐसे नहीं बताओगे, ये लो गन्ना, गन्ना मेरी ओर से लो और खाओ और मुझे बताओ। हमारा मेक कटे कहता है कि एक एंशियंट किताब यहाँ पे थी, उस किताब से मेरे को इसके बारे में आइडिया लगा था। जो सुंदर ये भी कहती है एंशियंट किताब कौन सा किताब। हमारा मैं कहता मनी मन सोचता है 9वीं क्लास में केमिस्ट्री का बुक में चैप्टर नंबर 69 में मैंने रीड यहाँ पे किया था, लेकिन इसको कैसे यहाँ पे बताऊँ यार। कहता है कि था एक किताब वो जल के खत्म हो गया, लेकिन उसमें क्या क्या लिखा था मुझे याद था, मैंने उसी द्वारा यहाँ पे बना लिया। ये भी कहती है मुझे सिखाओ ना। हमारा मैं कहता है अभी के लिए मेरी जान यहाँ पे मुसीबत में, मैं सिखा भी कहा बिल्कुल भी नहीं सकता, अगर आप जान बचा लोगे तो मैं सिखा सकता हूँ। जो सुंदर ये भी कहती ये जो कांड है ना ये राजा का है यहाँ पर, और मैं भाई सेठ की मेंबर हूँ और हमने सेठ वाले कभी भी राजा या फिर राजा के जो भी लोग हैं ना उनके काम के बीच में उंगली नहीं करेंगे। तो जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा वो राजा के ऊपर डिपेंड है। ये भी कहता है ऐसा मत बोलो यार, अपने सेठ की मेंबर मुझे बना लो यार, इतना तो कर ही सकते हो, जान भी बच जाएगी। जो सुनते ये कहती है तू वॉरियर है ना भाई, यानी भाई राजा के लिए काम करता है, लड़ाई करता है, तुझे कल्टिवेटर यहाँ पे कहीं को बनना है, सेठ में कहीं को आना है। ये भी कहता है क्योंकि भाई मुझे आपका लीडर बहुत ही पसंद है, मुझे भी आपका लीडर जैसा बनना है। मनी मन सोचते मैं तो इसके लीडर को जानता भी नहीं, मैं तो बस बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स पे डिपेंड रहना चाहता हूँ ताकि जिंदगी बचा सकूँ अपनी। जो सुनते सामने सब ये भी कहती है कि एक काम करो भाई मुझे सिखाओ उसके बारे में, तो जाके मैं तुमको ले सकती हूँ डिसाइपल। ये कहता है कि भाई उस एंशियंट बुक में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है ना जो आपको समझ नहीं आने वाला है। तो ये भी कहती है भाई मतलब चीज़ें बनाने यानी एल्केमिस्ट का काम है, और मेरे से बढ़िया मतलब हमारे सेठ से बढ़िया कोई एल्केमिस्ट का सेठ पूरी दुनिया में है ही नहीं, तुम बताओ मुझे सब समझ आएगा। हाँ तो ये भी कहता तो सुनो, तो जो पीरियोडिक टेबल में 180 में 118 जो एलिमेंट होता है ना, ये सारे एलिमेंट के नाम बताने लग जाता है। इसने कभी अपनी जिंदगी में सुने ही नहीं है, ये हिली की हिली रह जाती कि भाई ये क्या बोले जा रहा है, मुझे कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। एंड में गुस्सा करती है और जो गन्ना दिया था ना गन्ना भी ले लेती कि भाई तू मजाक कर रहा है, बोल तो सिखाने नहीं चाहता भाड़ में यहाँ पे जा। रही बात डिसाइपल बनाने की, हमारे सेठ ना खाली वर्जन लोगों को अपना डिसाइपल यहाँ पे बनाता है, भाड़ में जा इतना बोल के निकल जाती है। ये भी कहते यार मैं भी वर्जन हूँ यार, अब पिछले जन्म में भी और ये जन्म में भी मैंने तो कभी भी सेक्स नहीं किया है। पीछे से गार्ड आता कहते बाबू उषा है चलो जेल में वापस। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या लगता है भाई कैसे सॉल्व हो पाएगा, हमारा मेक कटर बच पाएगा? जो कुछ अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। और आज मैंने तीनों वीडियो एक्सप्लेन कर दी, अगर आपको अच्छा लगा मुझे बताओ, अगर अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा वरना कोई और मांगा देख लूंगा। जब तक के लिए बाय बाय।